हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोलिक सब्जेक्ट के चैप्टर फंडामेंटल ऑफ फ्लूड फ्लो के अंतर्गत आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वह है प्रवाह रेखाएं, लाइन ऑफ फ्लो। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर द्रव प्रवाहित हो रहा है तो उसके द्वारा कितने प्रकार की धारा रेखाएं निर्मित होती हैं, तो एक एक करके हम सभी प्रवाह रेखाओं को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है पथ रेखा, पथ लाइन। ठीक है, पथ लाइन क्या होता है? जैसे अगर हम मान लें कि कोई प्रवाह हो रहा है, ठीक है, ये क्या है, धारा प्रवाहित हो रही है, तो हम जानते हैं कि जितने भी द्रव हैं बहुत से छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। तो हम किसी एक कण को ले रहे हैं, ठीक है, जो प्रवाहित धारा हो रही है, द्रव हो रहा है, उस द्रव की एक कण को हमने ले लिया। अब इस द्रव के एक कण को हमने नोट करके देख रहे हैं कि ये द्रव कण कैसे कैसे चल रहा है। मान लीजिए ये कण चलना शुरू किया ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, जैसे जैसे ये जा रहा है, ठीक, ऐसे ऐसे, जैसे जैसे ये जा रहा है उसको हम फिर क्या करें, नोट कर लिए, फिर जैसे जैसे जा रहा है उसको हम फिर मिला दिए। ठीक, तो यही जो लाइन निर्मित होगी, यही जो पथ होगा, वही क्या कहलाएगा, पथ रेखा। यानी एक कण जिस प्रकार से चलता है, जैसे जैसे चलता है, उस पथ को अगर हम मिला दें तो वह क्या कहलाएगा, वह पथ रेखा कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आप ही अपने घर से मान लेते हैं स्कूल के लिए जाते हैं, ठीक है, अपने घर से स्कूल के लिए जाते हैं, तो जैसे जैसे आप पैदल, मान लीजिए ऐसे, जैसे जैसे आप रास्ते पर अपने पैरों को रखते हैं, तो उन पैरों के निशान को अगर हम मिलाते जाएं, ठीक है, उन पैरों के निशान को हम मिलाते जाएं, तो जैसे जैसे आप जाएंगे, यानी कि आप क्या हैं, एक प्रकार से एक कण है, तो यहाँ पर एक कण जिस प्रकार से अपना पथ निर्मित करता है वही क्या कहलाता है, पथ रेखा। तो इस प्रकार से पथ लाइन क्या हो गया, गति की अवस्था में द्रव का एक कण किसी समय में जिस पथ पर चलता है वह पथ उस कण की पथ रेखा कहलाती है। यानी गति की अवस्था में जब एक कण जिस प्रकार से चलता है उसी समय में जिस पथ पर चलता है वह पथ उस कण की पथ रेखा कहलाती है। अब हम धारा रेखा समझेंगे कि धारा रेखा क्या होता है। अब जैसे हमने क्या किया, एक रेखा खींच दिया, ठीक है, इस प्रकार से खींच दिया। अब इस बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु A मान ले रहे हैं, यहाँ पर एक बिंदु B मान ले रहे हैं, यहाँ पर C मान ले रहे हैं, ऐसे ही बहुत से बिंदु होंगे। अब बिंदु B से जितने भी उस द्रव के कण प्रवाहित होंगे, यानी यहाँ से जितने भी कण जाएंगे ऐसे, ठीक है, होते हुए B से, तो इस A बिंदु से जितने भी कण जाएंगे उनका औसत गति और वेग क्या होगा, इस बिंदु पर एक निश्चित होगा, तो वही क्या कहलाएगा। इस प्रकार से जो रेखा निर्मित होगी वह धारा रेखा कहलाएगी। तो क्या होगा, धारा रेखा वह काल्पनिक रेखा है, यह क्या होती है, एक काल्पनिक रेखा होती है, और जो पथ लाइन होती है ये वास्तविक रेखा होती है। तो धारा रेखा वह काल्पनिक रेखा है जिसके किसी भी बिंदु पर उस पर स्पर्शी उस बिंदु पर द्रव कण की गति की दिशा प्रदर्शित करती है। यानी स्पर्श, यानी कि यह जो अगर पथ, यह जो धारा रेखा है इसके किसी भी बिंदु पर, यहाँ पर अगर हम स्पर्शी खींचें, ठीक है, स्पर्शी खींचें, तो यह क्या प्रदर्शित करता है, यह उस समय उस बिंदु से गुजरने वाले सभी कणों की औसत गति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, औसत गति को, यहाँ पर जितने भी कण गुजरेंगे तो यह क्या करेगा, औसत गति को इस बिंदु पर प्रदर्शित करता है। अब आइए पथ रेखा व धारा रेखा में अंतर को समझते हैं। पथ रेखा यह वास्तविक रेखा है और धारा रेखा क्या होती है, यह काल्पनिक रेखा होती है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि जो पथ रेखा है वह वास्तविक रेखा है और धारा रेखा यह काल्पनिक रेखा है। दूसरा अंतर क्या है, यह निश्चित समय के अंतराल में एक द्रव कण का मार्ग प्रदर्शित करती है।
यानी कि यह क्या है, निश्चित समय अंतराल में एक कण की मार्ग को प्रदर्शित करती है, यानी पथ रेखा जो है एक कण की मार्ग को प्रदर्शित करती है। जैसे एक कण है यह किस प्रकार से जा रहा है, एक कण किस प्रकार से जा रहा है, एक कण की यह स्थिति को प्रदर्शित करती है। जबकि जो धारा रेखा है यह किसी क्षण कई कणों की स्थिति प्रदर्शित करती है। यह क्या है, अगर ये धारा रेखा इस प्रकार से है तो किसी बिंदु पर इस बिंदु से गुजरने वाले कई कणों की औसत स्थिति को या औसत गति को यह क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तीसरा क्या है, दो पथ रेखाएँ एक दूसरे को काट सकती हैं, यानी अगर दो पथ रेखाएँ हैं, जैसे एक कण यहाँ पर है एक कण यहाँ पर है, दो कण चलना शुरू करते हैं, तो मान लेते हैं कि इस प्रकार से यह गया, तो यह भी कण हो सकता है कि इस प्रकार से इसको काट सकता है। तो दो कण क्या है, दो कण एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, उनके जो पथ होंगे वो एक दूसरे को काट सकते हैं, जबकि दो धारा रेखाएँ एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती हैं। तो दो धारा रेखाएँ क्या होती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती हैं। अगर चौथा की बात करें, इसके किसी भी बिंदु पर स्पर्शी उसी द्रव कण की गति की दिशा को प्रदर्शित करती है, यानी कि अगर हम किसी पथ रेखा को लें, जैसे ये पथ लाइन है, ठीक है, अगर ये पथ लाइन है, पथ लाइन क्या करता है, एक कण की जो जिस प्रकार से एक कण गति किया उसी को मिलाने पर ये जो पथ बना है उसी को हम पथ रेखा बोलते हैं। तो किसी भी बिंदु पर स्पर्शी, यानी कि इसके किसी भी बिंदु पर हम स्पर्शी खींचें, इस पथ रेखा के स्पर्शी किसी भी बिंदु पर अगर हम खींचेंगे तो द्रव कण की गति की दिशा को प्रदर्शित करती है, यानी एक कण की गति की दिशा को प्रदर्शित करती है। कितने कण की, एक कण की, जो एक कण द्वारा जो ये पथ निर्मित हुआ होगा उसी कण की यह दिशा और गति को प्रदर्शित करेगी। जबकि इसके किसी भी बिंदु पर स्पर्शी वहाँ पर द्रव कण की गति की दिशा को बताती है। इसके किसी भी बिंदु पर, यानी अगर हम यह जो है कि धारा रेखा है इसके किसी भी बिंदु पर स्पर्शी, हम इसके किसी भी बिंदु पर स्पर्शी अगर हम खींच रहे हैं, ठीक है, हम खींच रहे हैं किसी भी बिंदु पर स्पर्शी, वहाँ पर द्रव कण की गति की दिशा बताती है, यानी कि इस बिंदु से जितने भी कण गुजरेंगे उन कणों की यह औसत गति की और दिशा को बताती है, यानी ए बिंदु से जितनी भी कण गुजरेंगे सभी की गति और दिशा को बताती है। जबकि पथ लाइन में क्या होता है, एक कण की, यानी कि अगर हम यहाँ से खींच रहे हैं तो यह उसी कण की गति और दिशा को बताएगी जो जिस कण द्वारा ये पथ का निर्माण हुआ रहेगा। अब आइए हम लोग देखते हैं धारा रेखा नली स्ट्रीम लाइन को। हमने धारा रेखा को जाना कि धारा रेखा क्या होता है, कि धारा रेखा के किसी भी अगर बिंदु पर हम स्पर्शी खींचें तो उस बिंदु पर उस बिंदु से गुजरने वाले कणों की औसत गति और दिशा को प्रदर्शित करती है। तो हम जानते हैं प्रवाह में बहुत सी धारा रेखाएं होंगी, उन धारा रेखाओं से मिलकर के एक नली का निर्माण होता है, उसी को क्या बोलते हैं, धारा रेखा नली। जैसे अगर एक धारा रेखा है, जैसे धारा प्रवाहित हो रही है, तो कुछ इस प्रकार से हम मान लेते हैं कि एक धारा रेखा ऐसे है, फिर दूसरा ऐसे, ऐसी बहुत सी धारा रेखाएं होंगी। अब इनको मिला कर दें तो क्या होगा कि एक देख रहे हैं एक नली का निर्माण हो रहा है, क्या निर्माण हो रहा है, एक नली का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार से जो तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कई धारा रेखाएं मिलकर के एक नली का निर्माण करती हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, धारा रेखा नली स्ट्रीम ट्यूब। कई धारा रेखाओं से घिरे द्रव के नलिकाकार स्थान को धारा रेखा नली कहते हैं। अगर हम यहाँ पर ए मान लें और बी मान लें, तो ए पर जितना द्रव प्रवेश करेगा, जितनी मात्रा में प्रवेश करेगा, उतनी ही मात्रा में बी पर भी प्राप्त होगा, यही क्या है, धारा रेखा नली है। अगर हम बात करें तंतु रेखा की स्ट्रीक लाइन, या इसको हम फिलामेंट लाइन भी कहते हैं, जैसे अगर हम मान लें कि कोई प्रवाह हो रहा है, वह स्तरीय प्रवाह हो रहा है, स्तरीय प्रवाह का मतलब एक कण जैसे जैसे गति करेगा उसके पीछे वाला भी कण उसी का अनुसरण करेंगे। तो मान लेते हैं
कि अस्तरिक प्रवाह हो रहा है, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं उसमें कोई हम एक रंग छोड़ दे रहे हैं, तो अब ये रंग क्या करेगा जैसे जैसे जाएगा तो एक लाइन का निर्माण करेगा, तो वही क्या कहलाती है, स्ट्रीक लाइन कहलाती है। तंतु रेखा किसी समय अंतराल में एक ही बिंदु से गुजरने वाले सभी कणों की स्थिति प्रदर्शित करती है, यानी कि तंतु रेखा क्या है, किसी समय अंतराल में, किसी कोई समय अंतराल होगा में एक ही बिंदु से, यानी कि अगर हम ए बिंदु मान ले, ठीक है, ए बिंदु मान ले, एक ही बिंदु से गुजरने वाले सभी कणों के, यानी इस बिंदु से गुजरने वाले जितने भी कण होंगे स्थिति को प्रदर्शित करती है, यानी कि यह ए बिंदु से गुजरने वाले सभी स्थिति को प्रदर्शित करती है। जैसे एग्जांपल में चिमनी से निकलने वाला धुआं, जैसे अगर चिमनी यही है, ठीक है, अब यहाँ से धुआं जो निकलेगा, ठीक है, इस प्रकार से निकलेगा, तो मान लेते किसी बिंदु यहाँ पर, यहाँ से जितने भी कण निकलेंगे, ठीक है, यहाँ से जितने भी कण निकलेंगे किसी निश्चित समय अंतराल में इस इन कणों की यह क्या करेगा, स्थिति को प्रदर्शित करता है। जो स्ट्रीक लाइन है, तंतु रेखा है, वह इस बिंदु से गुजरने वाले सभी जितने भी कण होंगे उनकी स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा, पथ लाइन, स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन और स्ट्रीम ट्यूब को देखा। अगले वीडियो में हम लोग टाइप ऑफ फ्लो को देखेंगे। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।